सोलन की नकदी फसल टमाटर है और यहाँ के किसानों की आर्थिकी टमाटर की फसल पर ही आधारित है। इस बार सोलन में टमाटर की बम्पर फसल है और किसानों को टमाटर के मुंह मांगे दाम मिल रहे हैं, जिसके चलते सोलन के किसान बेहद खुश हैं। शुरुआती दौर में टमाटर की कीमतें बेहद कम थी, लेकिन अब टमाटर की कीमतों में 10 गुना ज्यादा उछाल आ चुका है। पहले टमाटर की क्रेट केवल 100 रुपए तक ही बिक रही थी, लेकिन अब ये क्रेट करीबन 1,000 रुपए तक की बिक रही है। पिछले वर्ष सोलन के टमाटर ने सेब का मुकाबला किया था, इस बार फलों के राजा आम को कीमतों में पीछे छोड़ दिया है। आम प्रति किलो 40 तो टमाटर 60 रुपए तक बाजार में बिक रहा है। सोलन एपीएमसी सचिव आरके शर्मा ने बताया कि सोलन के टमाटर को लाल सोना कहा जाता है। आज इसका नाम सार्थक नजर आ रहा है, क्योंकि किसानों को उनकी टमाटर की फसल के मुंह मांगे दाम मिल रहे हैं। उन्होंने कहा कि सोलन में आम तो नहीं उगता, लेकिन सोलन के किसानों के टमाटर कीमतों में न केवल आम को टक्कर दे रहा है, बल्कि आम की फसल से भी ज्यादा मुनाफा सोलन के किसानों को हो रहा है। यही कारण है कि कोरोना के इस संकट में भी किसानों की आमदनी पर कुछ असर नहीं पड़ा है। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार द्वारा बनाए गए प्रभावी नियमों के कारण ये सब संभव हो पाया है, और सभी के संयुक्त प्रयासों से आज सोलन का किसान और बागवान निडर होकर सोलन सब्जी मंडी में फसल बेच रहा है। टमाटर हमारे पास अगर अभी हम देखें तो लगभग 900 रुपये से 1,000 रुपये क्रेट तक भी जा रहा है, तो जो कि आम के मुकाबले भी एक बेटर रेट है। तो ये हमें इससे हमारे किसानों को बहुत मजबूती मिल रही है, उत्साहित हो रहे हैं, हर्षोल्लासित हो रहा है हमारा किसान कि जहां हमें मैंगो नहीं है हमारे पास इस बेल्ट में इतने, लेकिन टमाटर मैंगो का मुकाबला कर रहा है। ये हमारे लिए रियली लाल सोना साबित हो रहा है हमारा सोलन के लिए। मैं कहूंगा कि हमारे कमीशन एजेंट भाई, आढ़ती भाइयों का सहयोग है, लेबर का सहयोग है, जो देखो इतनी बारिश में भी काम कर रहे हैं, और सरकार का सहयोग है। अगर सरकार बड़े तरीके से इसको संचालित नहीं करती, एसओपी रिलीज नहीं करती, तो ये नहीं हो पाता संभव। बाहर से बायर्स आए हैं तब हमारा टमाटर अच्छे रेट पे जा रहा है, और बल्कि ये टमाटर में तो नकद पेमेंट ही मैक्सिमम होती है, तो ये हमें हो रही है ऑनलाइन, आरटीजीएस, एनएफटी, जो भी प्रोसीजर हैं, थ्रू चेक्स, ऐसे हमारी पेमेंट जा रही है और बहुत अच्छा रेट है। तो इससे लग रहा है कि हम कहीं ना कहीं अपने किसानों को जो उनकी हक हलाल की कमाई है वो देने में सक्षम हो रहे हैं।